हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं क्लस्टर एनालिसिस के बारे में। उसमें दो तरीके होते हैं, एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग और एक के मींस क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग का पर्पज होता है एक इनिशियल डायग्राम देखना, ताकि पता लगे कि डाटा के अंदर किस तरह की ग्रुपिंग है और कितने ग्रुप हैं। सारी मल्टीवेरिएट एनालिसिस में एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका टाइटल ही मल्टीवेरिएट एनालिसिस है। तो यहाँ हम सिर्फ हायरार्किकल क्लस्टरिंग की बात करते हैं। तो मेरे पास एक फाइल है क्लस्टर, जिसके अंदर कुछ लिकर्ट स्केल पे 15 स्टेटमेंट है, जिसमें कुछ रिस्पॉन्डेंट है मेरे पास 20 के करीब। तो पहले देखते हैं इसको SPSS में कैसे करते हैं और क्या हमारा आउटपुट सेम आता है या नहीं आर में। तो ये अवेलेबल है एनालाइज, एनालाइज के अंदर क्लासीफाई में हायरार्किकल क्लस्टर। तो आपको मेरे इसमें शायद SPSS में कुछ एडिशनल मेनू दिखें जो शायद आपके पास ना हो, डेंसिटी बेस्ड प्रेडिक्ट वगैरह, या रिग्रेशन में देखिए टॉबिट रोबस्ट वगैरह, ये सब आर के ही है, मतलब जो आर के थ्रू हमने इसमें इंपोर्ट कर लिए हैं। आर को मैंने अनेबल किया हुआ है अपने SPSS के अंदर, ये SPSS के अंदर एक फीचर है। तो अभी हम बात करते हैं क्लासीफाई, क्लासीफाई के अंदर हायरार्किकल क्लस्टरिंग। 15 स्टेटमेंट मैंने यहाँ डाल दी है, स्टेटिस्टिक्स मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, प्लॉट्स में डेंडोग्राम, और मेथड यहाँ इम्पॉर्टेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है बिटवीन ग्रुप, लेकिन याद रखिए बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे, आर के अंदर भी ये सभी मेथड्स अवेलेबल हैं, वार्ड, सेंट्रॉयड वगैरह। अभी हम बिटवीन ग्रुप पे काम कर रहे हैं, इसका आर के अंदर नाम रहेगा एवरेज, ठीक है। इंटरनल बाकी यूक्लिडियन डिस्टेंस बनाता ही है सबसे पहले, स्टैंडर्डाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। और ओके, तो समरी ये हमारे पास आ गया है डायग्राम। पीछे से अगर हम पढ़ें तो एक 1, 14, 15 ये अलग है, एक ये अलग है, आगे जाके फिर दो टुकड़े हो गए, 4, 5, 3 एक क्लस्टर है, फिर नियरेस्ट इन में 12 मिलता है, ये पर्सन हैं सभी, 2 और 6 का अलग ओपिनियन है, 18 का इनसे काफ़ी मिलता है, फिर ही इस ग्रुप में मिल जाता है, एंड सो ऑन। तो मोटे तौर पे मुझे दिखते हैं, एक तो ये क्लस्टर है, इसकी जो अलग ब्रांच है, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, इसको हमेशा पीछे से पढ़ा जाता है। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इसमें क्लैरिटी ना हो रही हो, ये जैसे फैमिली ट्री होता है ऐसे। तो MS Word के अंदर हम इसको, एक ऑप्शन है यहाँ पे, हम यहाँ रोटेट कर सकते हैं, लेट मी सी, इसमें रोटेट का ऑप्शन आना चाहिए, रोटेट 90 डिग्री, नहीं ये वाला, हाँ जी। तो देखिए मैं ये बात कर रहा था कि इसमें एक तो ये क्लस्टर अलग से आ गया, यहाँ पे एक क्लस्टर ये वाला दिखता है, एक क्लस्टर ये दिखता है, तो मोटे तौर पे 3 क्लस्टर दिखते हैं। देखते हैं इस चीज़ को आर में कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वहाँ किया था। सबसे पहले हमने SPSS में यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाली थी, तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन यूज़ करना है DIST। अब अच्छी बात यह है कि जो हायरार्किकल क्लस्टर है एच क्लस्टर, ये स्टेट्स टूल बेसिक बेस पैकेज के अंदर ही है, तो कोई परेशानी नहीं, कोई नया पैकेज नहीं करना हमें। हालांकि क्लस्टर एनालिसिस के बहुत सारे पैकेज हैं और उनमें भी किया जा सकता है काम। D इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस एक है जिसमें मैंने कहा क्लस्टर में हर एक की हर एक से डिस्टेंस निकाल दो, तो ये बहुत बड़ा एक मेरा मैट्रिक्स आ गया है। अब मैं बोलता हूँ इसको x इज इक्वल टू एच क्लस्टर, हायरार्किकल क्लस्टरिंग डी के बेस पे, और मेथड यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है एवरेज। अब यहाँ देखिए मेथड हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, एवरेज है, कंप्लीट है, सिंगल, वर्ड पॉइंट D2, वर्ड पॉइंट D, मीडियन, सेंट्रोइड, एक्विटी, बहुत सारे हमारे पास फार्मूले हैं, हम यूज करेंगे एवरेज वाले को। और इसको प्लॉट कर दें एच को, ओके एक्स, सॉरी एक्स को प्लॉट कर दें, तो ये आ गया, मिलाएं से इसका आउटपुट आ रहा है कि एक में तो है सिर्फ 1, 14 और 15, तो हमारा भी यही आया था, इसको हम MS Word से मिलाते हैं, 1, 14 और 15, हाँ जी 1, 14, 15 लगे। एक के अंदर आ रहे हैं 717 एक तरफ है, और इसमें जो नीरेस्ट जाके मिलते हैं वो हैं 19, 20, फिर उसमें 11 और 10, ओके
1920, 11 and 10, तो ये सारा का सारा हमारा दूसरा आ गया, राइट। अब इसमें एक हमारे पास और ऑप्शन है, जैसे यहाँ तो मुझे मैनुअली देखना पड़ रहा है ना कि एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, फिर इसमें दो। अब यहाँ पे मेरे पास प्लॉट का एक ऑप्शन है RECT.HClust, इसमें मैं बोलता हूँ डी के ऊपर, नहीं एक्स के ऊपर, और कितने क्लस्टर बनाए, पहले दो बना के देखें हमें। तो यहाँ पे इस तरह का रेड बॉर्डर आ जाएगा कि देखिए एक क्लस्टर ये है, अगर टॉप से देखें एक क्लस्टर ये है, ठीक है। वापस आते हैं प्लॉट, और अब इसको मैंने कहा दो नहीं तीन क्लस्टर दिखाओ एक बार, तो तीन क्लस्टर ऐसे दिख रहे हैं हमारे, तो मोटे तौर पे तीन। और अगर मैं कहूँ कि नहीं चार दिखाओ, तो पहले एक बार बेसिक पे आए वापस, और चार क्लस्टर ये चार दिखते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कितने क्लस्टर हैं, वैसे चार भी ठीक लग रहे हैं, तीन भी ठीक लग रहे हैं। तो ये हुआ हमारा ग्राफिकल पार्ट, अगले पार्ट में हम इसे देखेंगे की मीन्स क्लस्टरिंग से कैसे करेंगे। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।